हेलो एंड वेलकम टू एडिल आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ का प्रोज द लॉस स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट टू आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार मुकेश इंसिस्ट ऑन हिज़ ओन मास्टर know एनीथिंग अबाउट cars? आई आस्क आई will टू ड्राइव अ कार ही he लुकिंग स्ट्रेट straight into my eyes। हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज i missed the dust of streets that fill his own town, firozabad, famous for its bangles. every other family in firozabad is engaged in making bangles. it is the centre of india's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो so स्टार्टिंग में ऑथर हमें बताते हैं कि मुकेश खुद का मास्टर बनना चाहता है और वो किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो करना नहीं चाहता मुकेश को बताता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और जब पूछती कि क्या उसे कार्स के बारे में कुछ पता है तो मुकेश कहता है कि वो कार्स चलाना सीख लेगा ये कहते हुए वो काफी डिटर्मेंट लग रहा था अपने ड्रीम को लेके उसका ड्रीम लूम करता है यानी अपीयर होता है एक मिराज की तरह यानी इमेजिनेशन की तरह जैसे कि डेजर्ट में वाटर सोर्स का मिराज आता है उसी तरह से ऑथर को मुकेश का ड्रीम एक इमेजिनेशन जैसा लगता है उसका ड्रीम ऐसा लगता है जो कि सराउंडेड है डस्ट से जो फिरोजाबाद शहर में है फिरोजाबाद फेमस है अपने बैंगल मेकिंग के लिए और वहां पर हर फैमिली बैंगल मेकिंग का बिजनेस करती है फिरोजाबाद को सेंटर ऑफ इंडिया ब्लोइंग इंडस्ट्री कहा जाता है जहां पर कई सारी फैमिलीज बैंगल मेकिंग का बिजनेस करती हैं, बहुत सालों से और बहुत जनरेशन से इस बिजनेस को फॉलो करती आई हैं। वो काम करते हैं फर्नेसेस और वेल्डिंग ग्लास के अराउंड और ऐसा लगता है कि वो सारे लोग सारी लेडीज जो कि लैंड पर रहते हैं उन सब के लिए वो बैंगल्स बनाते हैं। मुकेश फैमिली अमंग देम। देम ऑफ नो दैट इट इज़ हैंगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डेंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुेट हिम एंड ऑल दूस ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रन

वहां पर वो लोग डिंगी सेल्स में काम करते हैं जहां पर बिल्कुल भी हवा और लाइट नहीं होती ऐसी कंडीशन में वो लोग काम करते हैं ऑथर कहती है कि आगे ये लॉ लागू होता है तो यहाँ पर काम करने वाले 20,000 हजार बच्चे बढ़ सकते हैं इन कंडीशंस में काम करने से जहां पर उनकी आईसाइट साइड भी जा सकती है आगे मुकेश आयस

और वो प्राउड फील करता है कि उसका घर रीबिल्ड हुआ है Author कहती है कि जब वो मुकेश के घर की तरफ जा रही थी तो तब काफी सारी यानी कि स्मेली सड़कों से जा रहे थे जो गार्बेज से भरे हुए थे और वो सारा स्लम एरिया था और सारे घरों की क्रम्बलिंग वॉल्स थी जो ठीक से बनी नहीं हुई थी और आधी टूटी हुई थी और वॉबली डोर्स थे यानी कि अच्छे से फिटेड नहीं थे और उन घरों की विंडोज भी नहीं थी और जो फैमिलीज थी वो बहुत क्राउडेड थी लोगों से और एनिमल्स से ऑथर को लगता है कि वो लोग और एनिमल्स को एग्जिस्ट करके रहते हैं जैसे कि लोग पहले प्रिमिटिव एजेस में रहते थे बिल्कुल वैसे ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस Bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family.

और अपने पैर से एक आयरन डोर को मारता है और उसे खोल देता है फिर वो दोनों एक हाफ बिल्ट घर में घुसते हैं जिसके एक कोने में डेड घास थी यानी कि सूखी घास थी जिससे कि फायरवुड स्टोव बना हुआ था और उस स्टोव के ऊपर एक बड़ा वेसल रखा हुआ था जिसमें स्पिनिच लीव्स पक रही थी और साथ में जमीन पर एक बड़ी सी एल्युमिनियम की प्लेट रखी हुई थी जिसमें काफी सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स थी और उसके पास एक वीक और थिन यंग वुमन बैठी हुई थी जो खाना बना रही थी मुकेश की पूरी फैमिली के लिए और उस वुमन की आंखें पूरी तरह स्मोक से भरी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे पर फिर भी वो स्माइल करते हुए खाना बना रही थी ऑथर कहते हैं कि वो वुमन मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है और उनकी एज कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने घर में एक बड़ी बहू के टाइटल पर हैं और इंचार्ज हैं तीन आदमियों की यानी कि मुकेश उसके पापा और मुकेश के बड़े भाई की मतलब उन सब की रिस्पांसिबिलिटी और उनके लिए खाना बनाना और बाकी काम की रिस्पांसिबिलिटी उसी वुमन पर When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. As custom demands, daughter in law must wheel their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, First, as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house and send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows the art of bangle making. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles.

तो वो लेडी टूटी हुई दीवार के पीछे जाके छुप जाती है और अपने वेल यानी घूंघट से अपना फेस ढक लेती है जैसे कि उनके कस्टम में है कि जो बहू होती है उसको अपना फेस ढक के रखना होता है मेल एल्डर्स के सामने मुकेश के घर में जो एल्डर है वो एक इम्पावरिश बैंगल मेकर है जिन्होंने कई साल मेहनत की है पहले एक टेलर की तरह और फिर एक बैंगल मेकिंग की तरह लेकिन वो फेल हो गए हैं अपने घर को रेनोवेट करने में और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को आर्ट ऑफ मेकिंग सिखाई है। इसके बाद मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है कि ये हमारी डेस्टिनी है यहाँ पर ऐसे बैंगल मेकिंग का काम करना और वो कहती हैं कि कैन एफ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन यानी कि जो गॉड ने उनके एंसेस्टर्स को काम दिया था वो आज की जनरेशन तक चला आ रहा है और क्या इस काम को करने की जो चेन है वो क्या कभी टूट सकती है मुकेश के ग्रैंड मदर ने खुद अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है उसी डस्ट के कारण जो बंगल मेकिंग में ग्लास पॉलिश करते वक्त जनरेट होती है ऑथर कहती हैं कि जो भी बंगल मेकिंग की कास्ट में पैदा हु, हुआ होता है वो बचपन से ही अपने आसपास बैंगल्स को ही देखता है अपने घर में अपने यार्ड में और आसपास के घरों में और फिरोजाबाद की हर स्ट्रीट में सिर्फ बैंगल्स ही बैंगल्स देखता है स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड पैडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर Born out of the seven colors of the rainbow, lie in molds in unkempt yards, are piled on four wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers wielding the pieces of.

वो घरों के यार्ड्स में पड़े हुए होते हैं और वो इकट्ठे किए जाते हैं फोर व्हील्ड हैंडकार के ऊपर जिसे कि यंग मैन पुश करके चलाते हैं लेन्स में फिरोजाबाद के टाउन की और जो वहां डार्क हटमेंट्स होते हैं मतलब कि जो काफी डिम लाइट किए हुए हट्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ ऑयल लैंप्स की लाइट होती है वहां पर बच्चे बैठे हैं बैठते हैं अपने मदर और फादर के साथ और वेल्ड करते हैं पीसेस ऑफ ग्लास को यानी कि ग्लास को गर्म करते हैं बैंगल में कन्वर्ट करने के लिए और ऐसे काम करते हैं हुए उन बच्चों की आईज डार्क सराउंडिंग्स में रहने के लिए एडजस्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू बाहर की जो सराउंडिंग की लाइट है और यही काम करते हुए बच्चे अपनी आई साइट भी बहुत जल्दी लूज कर देते हैं एडल्ट्स बढ़ने से पहले ही Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass as her hands move mechanically in the tongs of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day. ओल्ड वुमन बिसाइड हर हुम वन मेनी इयर्स अगो तो उसके बाद ऑथर हमें बताती है कि एक सविता नाम की यंग लड़की है जिसने एक ड्रैप पिंक ड्रेस पहनी है यानी कि एक फेडिड पिंक ड्रेस पहनी है वो एक एल्डरली के साइड में बैठी है और ग्लासेस के पीसेस को ज्वाइन कर रही है बैंगल्स के लिए और उस लड़की के हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं बिल्कुल एक मशीन की तरह और उसे देखकर ऑथर सोचती हैं कि क्या उसे बैंगल की सैंक्टिटी यानी उसकी होलीनेस के बारे में ये लड़की जानती है जो बैंगल्स होती हैं वो इंडियन वुमेन के सुहाग को रिप्रेजेंट करती हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैरिजेस में और जो बैंगल्स वो बना रही हैं वो एक दिन किसी के हाथों में पहनाई जाएंगी जब उस लड़की की शादी होगी तब उसे पता लगेगा बैंगल्स की होलीनेस के बारे में और तब वो एक ब्राइड बन जाएगी एक घर की बहू बन जाएगी जैसे कि ओल्ड वुमेन सविता के पास बैठी हुई थी वो कभी बनी थी बहुत सालों पहले हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया शी in वॉइस voice ऑफ जॉय शी She नॉट not इवन वन फुल मील इन हर her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. To Jo old woman Savita kipas thi,

और आज तक वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए एक घर बनाने में अकम्पलिश हो पाए हैं ऑथर सोचती है कि उस आदमी ने जो घर बनाया है अपनी फैमिली के लिए वो भी एक ऐसी चीज है यहाँ पर जो रहने वाले अधिकतर फैमिलीज की मेल्स करने में फेल हो जाते हैं अपनी पूरी लाइफ में और कम से कम मुकेश के फादर ने एक रूफ यानी कि एक छत तो बना ली है अपनी फैमिली के लिए The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. तो ऑथर इस पैराग्राफ में कहती हैं कि ये जो कंडीशन है कि फैमिलीज के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते जिसके कारण इनके पास बैंगल मेकिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता अपनी फैमिली को फीड करने के लिए और उससे भी वो अच्छे से फीड नहीं कर पाते अपनी फैमिली को ये कंडीशन वहाँ पर लगभग हर घर में है जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं और उन घरों में जो यंग मेन होते हैं यानी कि जो नए जनरेशन के बच्चे होते हैं वो भी ऐसे ही अपने एल्डर्स को ज्वाइन कर लेते हैं बैंगल मेकिंग में और बीतते समय के साथ कोई भी चेंजेस नहीं आ पाते वहां पे और इतने सालों में रहने वाले सभी लोगों की जो अबिलिटीज और ड्रीम्स होते हैं वो उन कंडीशंस ने छीन लिए हैं वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अपरेटिव आई आस्क अ ग्रुप मेन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers even if we got organized we are the ones who will be hauled up by the police beaten and dragged to jail for doing something illegal they say there is no leader among them no one who could help them see things differently their fathers are as tired as they are ग्रुप से पूछती हैं, सभी लोग मिलकर एक कॉपरेटिव क्यों नहीं बना लेते अपनी बैंगल्स को खुद से क्यों नहीं सेल करते और तुम तो मिडिल मैन को क्यों यूज करते हो अपने बैंगल्स को सेल करने में ऑथर ये इसलिए पूछती है क्योंकि बैंगल मेकिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है लेकिन फिर भी इन लोगों की कंडीशन खराब है क्योंकि इन्हें करते हैं। और इनसे बहुत ज्यादा कम दाम में वो लोग बैंगल्स खरीद लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट में अपनी मार्केट में बेचते हैं तो ऑथर को लगता है कि ये सभी लोग एक ऐसे विशेष सर्कल ऑफ मिडिल मैन में फंसे हुए हैं वो इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे और उनकी काफी जनरेशन इसी सर्कल में फंसी हुई है तभी उन लोगों में से एक आदमी कहता है कि अगर हम ऑर्गेनाइज़ हो भी जाएं और अपना ग्रुप बना लें, तो जो पुलिस है वो हमें मारेगी और हमें जेल में डाल देगी जैसे कि हमने कोई इीगल काम किया हो फिर ऑथर कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोगों के बीच में कोई लीडर नहीं है जो कि उनकी हेल्प कर सके चीजों को अलग परस्पेक्टिव से देखने में ये लोग एक एनलेस स्पाइरल में फंसे हुए हैं जो कि पॉवर्टी से मूव करता हुआ पर लेकर जाता है और फिर इन्हें लालच होता है और इनके साथ इनजस्टिस होता है लिस्निंग टू देम आई सी टू डिस्टिंग वर्ल्ड्स One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. to do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. when i sense a flash of it in mukesh, i am cheered. "i want to be a motor mechanic," he repeats. "he will go to a garage and learn." but the garage is a long way from his home. "i will walk," he insists. "do you also dream of flying a plane?"

ऑथर उन लोगों से बात करते हुए फील करती है कि यहाँ पर दो सेपरेट वर्ल्ड्स हैं। जो पहला वर्ल्ड है वो ऐसी फैमिलीज का है जो पॉवर्टी और गरीबी में फंस गए हैं और उन पर प्रेशर है ट्रेडिशनल प्रोफेशन यानी कि बैंगल मेकिंग को फॉलो करने का क्योंकि वो उसी कास्ट में बॉर्न हुए हैं और वो एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो मनी लेंडर्स मिडिलमैन पुलिस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस हैं ये सब उनके बीच में फंसे हुए हैं और ये जो दोनों वर्ल्ड्स हैं उन दोनों के कारण यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी ये प्रेशर है कि उन्हें अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को फॉलो करना है इससे पहले कि वो यंग बॉयज कुछ सोचें वो अपने फादर्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उस विशे सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं रियलाइज करने से पहले ही और अगर ये बच्चे कुछ काम करना भी चाहे कुछ अलग काम करना चाहे तो वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उन बच्चों के लिए और इसके लिए जो डेरिंग चाहिए होती है वो इन बच्चों में नहीं होती जब ऑथर ये डेरिंग मुकेश में देखती है कि वो बैंगल मेकिंग नहीं करना चाहता और एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और गैराज में जाकर काम सीखना चाहता है तब ऑथर काफी ज्यादा खुश होती है और जब ऑथर मुकेश से पूछती है कि जो गैरेज है वो उसके घर से काफी ज्यादा दूर है तो वो वहां पर कैसे जाएगा तो मुकेश जवाब प्लेन चलाने का ड्रीम भी देखता है तब मुकेश बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और वो मना कर देता है और नीचे की तरफ देखने लग जाता है तो ऑथर फील करती है कि मुकेश को अभी भी थोड़ी सी एम्बेरसमेंट है अपने ड्रीम के कारण लेकिन ये ड्रीम अभी भी रिग्रेट नहीं बना है और वो अभी भी इसे फॉलो कर सकता है कहती है कि मुकेश कार्स के बारे में इतना इसलिए सोचता है क्योंकि उसने कार्स अपनी स्ट्रीट्स में चलती हुई देखी है लेकिन वो प्लेन्स के बारे में नहीं सोचता क्योंकि एयरप्लेन्स बहुत ही कम उड़ते हैं फिरोजाबाद के ऊपर से